मेरा दो विजन है, मैं आपसे कह चुका हूं कि विदर्भ की गायें बड़ी छोटी छोटी गायें भी होती है जो एक लीटर दो लीटर दूध देती है। मैं आने वाले दिन में अब देश के अंदर जो गर्भाधान होगा, जो बच्चे पैदा लेंगे, वो केवल बछिया होगा सॉर्टेड सेक्स सीमन के तहत। अब ये मॉब लिंचिंग का सवाल नहीं होगा जो एस्ट्रो एनिमल के रूप में हमारा जानवर उपयोगी होगा। और जिस दिन ये हम इस साल 30 लाख डोज 2019 और 20 में करूंगा, आने वाले दिन में 2025 तक मैं 10 करोड़ डोज 10 करोड़ बछिया होगी। हमारे नेता ने कहा इतनी बछिया हो जाएगी दूध होगा। दूध क्या, मैंने कहा आपका सही है, मैं चिंतन मंथन आपसे शुरू कर रहा हूं कि हम एक्सपोर्ट कितना करेंगे, लेकिन किसानों के पॉकेट में जिस समय बछिया पैदा होगी, 1 करोड़ हम डोज अगर देते हैं 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ का फायदा होगा। और जो आपकी छोटी गायें हैं, मैं 3 साल के अंदर 2 साल दिखा दूंगा कि कोई विदर्भ का नौजवान 100 छोटी वाली गाय रख ले, जो दूध नहीं देने वाली है वो गाय रख ले, हम गाय की फैक्ट्री लगा देंगे, गाय पैदा करने की फैक्ट्री। ये फैक्ट्री सब जब बोल रहे हैं तो बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, भाई आइसक्रीम तो फैक्ट्री में बनेगा संतरे का, ये गाय की फैक्ट्री कैसे होगी? आप आदमी में जानते हैं कि सरोगेट मदर की एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, हम उसमें और टेक्नोलॉजी में ऊपर जा रहे हैं, जो गाय हमारी दूध देने लायक नहीं रहेगी, छोटी बछिया हो या बड़ी हो, उसके अंदर हम 20 लीटर दूध देने वाली गाय का IVF एम्ब्रियो और भी उससे एडवांस टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करेंगे, ऐसा क्रांति लाएंगे कि हमारे दूध के कीमत के बराबर दुनिया के दूध का कीमत नहीं होगा, हमारा कम होगा दुनिया का अधिक होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और तब फिर मदर डेयरी का, अभी हमारा 22 से 25% दूधों का वैल्यू एडिशन है, मेरा लक्ष्य है कि हम दूध का टोटल प्रोडक्शन का कम से कम 50% पर हम वैल्यू एडिशन में जिस दिन जाएंगे उस दिन हमारे किसानों के चेहरे लाल होंगे।